नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर शादी के 15 दिन बाद युवक बोला कि मैं किन्नर हूँ। दुल्हन इस बात को सुनकर हैरान रह गई। पुलिस से लगातार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, तो लगभग 2 से 3 महीने निकल गए। आखिर में उन्होंने SP ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। ये खबर हरदोई उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है, जहाँ पर जानकारी के मुताबिक यह युवती की शादी 23 फरवरी 2023 को हुई थी और शादी के 15 दिन बाद उसको पता चला कि ये किन्नर है। इस घटना के बाद वो लगातार पुलिस से मामले की शिकायत करती रही लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता का कहना है कि मेरी शादी शाहजहाँपुर में तय हुई थी। हमें बताया गया था कि युवक उसका भाई दोनों इंजीनियर हैं और दोनों परिवार से बातचीत होने के बाद शादी तय कर दी गई, लेकिन अब शादी हुई तो बताया चला है कि जब शादी की रस्में होने के बाद रात में अपने कमरे में गई तो वहाँ पर पति नहीं था। मैंने उसके बारे में पूछा तो उसकी तबीयत खराब होना पाया गया, इसके बाद भी कमरे में अगले दिन जाकर वो सो गई। दूसरे दिन भी अपने दोस्त के घर चली गया। ऐसे में 13 से 14 दिन वापस निकल गए और इसके बाद आखिर में जब उसका हाथ पकड़ लिया तो उसने जोर से हाथ छुड़वा कर बोला कि मैं इसके लायक नहीं हूँ और मैं किन्नर हूँ। इसके बाद जब उन्होंने अपनी मामी को ये जानकारी दी थी और इसके बाद ससुराल पहुंचकर वापस अपने गांव पहुंची और जहां पर फिलहाल शिकायत दी है, अब कार्रवाई की जा रही है। वो चाहती है कि उसकी पूरी ससुराल वाले भरपाई भी चाहें, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, प्रदेश भर तमाम खबरों के लिए बने रहिए चैनल पर। नए विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।